कन्नौज से खबर है, घर पर सो रही मां बेटी की निर्मम हत्या होने से गांव व क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घर परिवार में चीख पुकार मच गई, गांव के लोगों का तांता लग गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मां बेटी की हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। पुलिस जांच में जुटी। जनपद कन्नौज के तालग्राम क्षेत्र के भोजपुरा गांव में मां बेटी की निर्मम हत्या की खबर लगते ही अफरा तफरी मच गई। विधवा मां अपने 4 बच्चों के साथ घर में रह रही थी। सौदान सिंह की विधवा पत्नी भगवान श्री 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहती थी। भगवान श्री अपनी बेटी अनिता के साथ घर पर थी। वहीं बेटा राम सेवक, बेटी रिंकी और कोमल फरुखाबाद के कमालगंज में रिश्तेदारी में गए हुए थे। घर पर मां बेटी अकेली थी। 50 वर्षीय भगवान श्री, बेटी 21 वर्षीय अनिता की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई। सुबह होने पर घर पर खून से लथपथ शव को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना लगते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मां बेटी की हत्या की खबर लगते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और घर परिवार में चीख पुकार मच गई। गांव के लोगों का तांता लग गया। मौके पर पहुंचे छिबरामऊ क्षेत्र अधिकारी दीपक दुबे सुरक्षा कर्मियों के साथ मौजूद रहे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मामले की जांच कराकर आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा। आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। कन्नौज से उपेंद्र चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नहीं था आप लोगों ने की हम लोगों को डेड बॉडी देख क्या कहा उन लोगों ने दिखाया गया। जिनकी निर्मम हत्या हुई उनका नाम क्या है? भगवान श्री। उनके कितने बच्चे हैं? 4। 4 बच्चे एक लड़का 3 बच्चे। और उनके परिजन कहीं बाहर हैं क्या? तो अभी उनके परिजन आए नहीं? उनको जानकारी कर दी गई या नहीं? कर दी गई। आए तो प्रशासन ने जबरदस्ती डेड बॉडी उठा ली। जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या था? भगवान लड़की का लड़की का नाम अनिता, महिला का क्या नाम था? और जो लड़की की हत्या है उसकी लगभग उम्र कितने वर्ष होगी? 18 साल की। तो आप लोगों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है अभी तक? हम लोगों को नहीं मिली।